खबर है भदोही से। जनपद के रास्ते अवैध शराब तस्करी में भदोही पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है प्रभावी कार्रवाई। बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान थाना उंज व स्वाट की संयुक्त टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त कुल दो अंतर्राज्यीय शराब तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। साथ ही कब्जे से ट्रक कंटेनर वाहन में कुल 810 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 मोबाइल फोन और 4000 रुपए एवं 3 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए। बरामदशुदा वाहन सहित अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब से बिहार राज्य में महंगे दामों पर खपाने की थी इसकी योजना। ब्यूरो रिपोर्ट आजाद खान बापू। देखिए जनपद भदोही पुलिस के द्वारा अवैध शराब और अवैध जो मादक पदार्थ है इसके संबंध में लगातार अभियान अभी जारी है और इसमें मुखबिर की सूचना पर इसमें चेकिंग कराई गई हाईवे पर, तो इसमें एक पूरा टैंकर बरामद हुआ है और इसमें लगभग 810 पेटी जो है अंग्रेजी शराब विस्की जो कि पंजाब से लाई जा रही थी वो बरामद हुआ है। देखिए ये लगभग 7200 लीटर की शराब है और जो टैंकर बरामद हुआ है उसको मिला करके इसकी जो मार्केट कॉस्ट है लगभग 1 करोड़ के आसपास लगाई जा रही है। ये अभी फिलहाल तो टैंकर के साथ दो लोग गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अभी पुलिस और भी इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था कुलदीप नाम का एक व्यक्ति है, उसकी भी तलाश जो है जारी है और वाहन स्वामी के बारे में भी और डिटेल में पुलिस इसकी जांच कर रही है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारी भी होगी और बरामदगी भी और होगी और आगे की कार्रवाई इसमें तय होगी।